अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षं देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवश्च भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् देवी त्रिश्वरी भगवती गंगे कलिमलहारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी विमले ममति रास्तां तवपद कमले हर हर गंगे। आइए फिर आपको मोहन जी की स्टोरी बताते हैं। कम ऑन, तो दिस इज भारती भवन जहाँ से मोहन जी की, जिसे कहते हैं नींव एक तरीके से। कब मोहन जी पूरी वाला स्टार्ट हुआ, किसने कैसे स्टार्ट किया, दिस इज द प्लेस। आज से नियर अबाउट 5 generations back, 100 years or something, उतना पुराना जो है उनका नाम है। और मोहन जी जो है मेरे दादाजी का नाम है, जिनके परदादाजी ने अपने परपोते के नाम पे शुरू किया था मोहन जी पूरी वाला। Just look at the walls and the architecture over here. ये पूरा ऊपर का आप देखेंगे, it's like कड़ियों वाली जो छत होती हैं। कोई मतलब बिलीव भी नहीं कर सकता कि अभी तक है इसको इतना संरक्षण कर रखा है। दरवाजे भी आप देखो किस तरह का दरवाजे, ये जो मोर देन 120 years back, इस टेम्पल से ही हमें सब कुछ मिला है। हम तो यही मानते हैं मोहनपुरी वाले, हमारे बाबा जी भी यही कह रहे थे। बट हमारा एंसेस्ट्रल होम, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस लाइक 5 generations। एंड मेरे दादाजी तो उनके टाइम से चली आ रही है, तो हम लोग 150 साल से तो यहीं रह रहे हैं। मेरे पड़बाबा जी, जो दादाजी के भी पड़बाबा जी, वो गए थे, एक शॉप है हमारे यहाँ पूड़ी की, फेमस शॉप है, उस पर वो बैरिस्टर थे उस टाइम, तो वो पूड़ी के लिए गए होंगे उनकी शॉप पे। तो उन्होंने कहा कि लाला जरा जल्दी कर दो, हमारे जो दादाजी ने बोला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि लाला इतनी जल्दी है तो अपनी दुकान खोल लेना। यहाँ पे प्रसाद की दुकान होती थी पहले, कि हमारा परमल इलायची दाना ये सब प्रसाद बिकता। उन्होंने कहा हटाओ, सब हटाओ, हाथों हाथ कढ़ाइयाँ मंगाई गई, खोंचे कारीगर मंगाए गए, और सुबह सुबह जो है श्री गणेशाय नमो नमः करके अपने परपोते के नाम पे मोहन जी पूरी वाला। तो पहले तो पूड़ी सब्जी देखिए, गरम गरम पूड़ी यहाँ से निकल रही है, सूखे आलू, तरी वाले आलू, छोले, इमली की चटनी, और साथ में है कद्दू। कद्दू आपको ऊपर मिलेगा जब आप अभी खाएंगे। कुछ सीक्रेट रेसिपीज हैं, जो सीक्रेट हमारे मसाला मिक्सेज हैं, वो खैर कोई देख के नहीं बता सकता क्या मसाला मिक्सेज हैं। वो जो फ्लेवर है जो उसका, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर है, वो उसी मसाला मिक्स से आता है। आप देख रहे होंगे कोई भी सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, हैंड से सीधा सीधा डायरेक्टली कट के उसमें जा रहा है। दैट इज अ वेरी लाइक क्रूड जैसे फॉर्म जिसे कहते हैं। ये पूड़ी है और इसी के कारण जो है मोहनपुरी, मोहनपुरी का नाम पूड़ी के कारण ही है। ये सूजी बेसन का हलवा है, इसी का जो है गंगा जी को भी भोग लगता है, और फेमस भी यही हलवा रहता है। जो मैंने आपको हलवा पराठा बताया था वो इसी का है, हलवा पराठा। तो इसके साथ ये हलवा खाया जाता है, गरम गरम हलवा, और साथ में ये मालपुड़ा, साथ में है गुलाब जामुन, और आपके ये चंद्रकला जो हमारे यहाँ की एक स्पेशलिटी है। इलायची मगज चिरौंजी, इसे डीप फ्राई करेंगे, तो उसके बाद डीप फ्राई करने के बाद जो है इसको हम मीठा लगाएंगे, वो जिसे कहते हैं जैसे गुजिया को वो करते हैं। बहुत ज़्यादा वेराइटी पे हमने फोकस नहीं किया, वी हैव फोकस मोर ऑन क्वालिटी देन द क्वान्टिटी। ये ऐसा फ्लेवर है ऑथेंटिक टू हरिका, चंद्रकला एंड इट्स फ्लेवर। आप हमारे यहाँ खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। वो हींग का एस्पोटेटा वाला जो फ्लेवर है छोलों का, आलू का, वो आप देखें। तो ये चीज़ें आसानी से देखने को नहीं मिलती। सेटअप तो स्टार्ट कर दिया पड़बाबा जी ने कि चलो करते हैं पूड़ी की दुकान, पर पूड़ी का काम तो कभी नहीं किया था। तो उस चीज़ में हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और फैमिली में मोर मैं अगर बात करूं तो हमारी जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर और जो जितने लेडीज़ थे वो लोग लगे साथ में। मुश्किल से एक टीन होता था आगे भट्टी पे, मुश्किल से एक, बहुत हार्डली 1/4 कवर होता था सारा खुला एरिया। वहाँ पे बैठ के माझी वगैरह 250-250 रोटी स्टाफ्स की, मेरी परदादी जी और ये दादी जी, इन दोनों ने बैठ के अपने, मतलब अपने स्टाफ के लिए, जो स्टाफ को ये बेटे की तरह, मतलब अपने बच्चों की तरह माना करते थे, दुकान पे कम से कम 8-10 जने, 7-8 जने
गोडाउन में भी होते थे भाई काम करने के लिए, तो सब मिला के 10-15 जनों के लिए खाना बनाना, रोटी बनाना, फिर फैमिली भी बड़ी थी, फैमिली में भी 20-21 जने थे, ठीक है ना, तो 30-35 जनों का जो है खाना जो है डेली बनाना। ये हमारा स्टोरेज एरिया है जहाँ हमारा मेनली सारा सामान रखा जाता है, सारे घी जो है और घी के अलावा जितना तेल सरसों का तेल में जैसे सब्जी बनती है आलू की, तो वो सब चीज़ें रखी जाती हैं, देसी घी रखा जाता है चंद्रकला के लिए, और बाकी इधर जो सूखा आइटम सारा चना हो गया या मैदा हो गया आटा हो गया सूजी। मैं नोटिस कर रहा हूं कि आर्किटेक्चर जो है 100 साल से ऊपर जो है हमारा इस पर्टिकुलर शॉप पे हो गया, द शॉप इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, मोहनलाल जी मोदी उनका कमरा है, तो इस कमरे में मेरे डैड, मेरे लाइक बुआ, चाचा, ताऊ जी सारे इस एरिया में सोते थे बाबा अम्मा के साथ, मतलब इतना छोटा, अभी तो खैर हमने आसपास बढ़ा लिया है, परचेज कर लिया, बट उस टाइम केवल ये कमरा हुआ करता था, ये पुराना लिविंग एरिया था, दिस वॉज यूज टू लाइक इतना 1/4 में छत हुआ करती थी और ये काफ़ी नीचे हुआ करती थी। ये मेरा और पापा का, मम्मी का और मेरे भाई का कमरा है, आप वेट देखो कितने पुराने, लाइक इट्स लाइक एज ओल्ड वेट्स। आज से 100-120 साल पहले भी पूड़ी वॉज लाइक अ स्टेपल फूड इंडियंस के लिए, तो और खासकर ऐसे हरिद्वार जैसे रिलीजियस होली प्लेसेस पे पूड़ी वगैरह बहुत बिकती थी, पूड़ी, जलेबी और लड्डू, ये सब चीज़ें बहुत, तो हमारे वहाँ पे लोग ऑलरेडी इतना बेच रहे हैं, हमें अपने आप स्टैंड करना है, हम कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमारी जो दादी वगैरह हैं वो लोग लगे, हमारे जो बड़े जो जेंट्स थे उनको परसुएड किया कि आप ऐसे फ्लेवर्स के मसाले मंगाओ, उन लोगों ने उन मसालों को छाटना शुरू किया, रेसिपीज़ डेवलप की, खाते ही उसको मुँह पर अगर कहीं भी खाए, यार ये तो मोहनपुरी के छोले खाए हमने, तो वो चीज़ लाने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ता है दिन रात की, मतलब मेरे को अपने बचपन का ध्यान है, मेरे पापा सुबह से लाइक दोपहर हो जाती थी, एक ब्रेड टोस्ट सुबह से लेके लगे हुए हैं यहाँ पे, बाबा जी हमारे उन्होंने इतनी मेहनत करी इस दुकान पे, चाचा ताऊ जी, मतलब हम लोग पूरी फैमिली का स्पीड, जस्ट फोकस ऑन द स्पीड एंड द एक्यूरेसी, वो किस तरीके से बना रहे, कितने जने हैं। एक टाइम ऐसा भी था, मेरे पापा बताते तुम तो बहुत लकी हो कि हमारे टाइम में, मतलब हरिद्वार में देयर वाज नॉट दैट मच बिजनेस, बहुत कम, ये जो हरकी पौड़ी एरिया है यहाँ पे लोग भी नहीं रहते थे, यहाँ केवल साधुओं के, गिरियों की या क्या हो आपके जो ये महंतों की हवेली होती थी। हमारी कचौड़ी जो है ना वो सब्जी के साथ गरम गरम ऐसे खाने में मज़ा आता है, तोड़ने में उसका वो फ्लेवर कहीं चला जाता है, ऐसा लगता है वो पूरा खिचड़ी सी बन जाती है, तो जब आप लगा लगा के खाएंगे तो मज़ा उसी का है। मोदी इज़ अ उपाधि जो हमारे को मिली है, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड को जो राजा थे इस पूरे एरिया के, रीजन के जो राजा थे, उन्होंने उपाधि दी थी, मोदी उपाधि दी जाती थी खजांची को, कैशियर्स को, जो लाला लोग होते थे जो सारा धन का लेन देन और राजाओं का संभालते थे। हम वैसे हैं मारवाड़ी बनिए, शुरू से खजांची वाली हो रही है, तो हर चीज़ को ज़रा ध्यान से संभाल के सहेज करके वही चीज़ पापा वगैरह ने सिखाई है। आप देखेंगे कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल आपको ऐसे बेकदरी नहीं मिलेगी किसी चीज़ की, हर चीज़ प्रॉपरली स्टैक्ड सही तरीके से, वेस्टेज नहीं है, हर कोई जो कर रहा है सारे कर्म कर रहा है, अन्न के लिए कर रहा है, देखो इसकी आग जो है इसको बुझाने के लिए ही तो सब लोग काम करते हैं, और अगर हम उसको वेस्ट करेंगे तो कितनी बुरी बात है। यहाँ पे हमारा सारा लस्सी का प्रिपरेशन होता है, ये गोडाउन उधर इसका है, ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है इधर इस साइड, या इधर आलू का और सारा जो है वो रहता है। Just look at the architecture of the walls, the same kind of walls you saw थोड़ा देर पहले, सिमिलरली इट्स ऑलमोस्ट लाइक 100-150 years old। वैसे हम लोगों का काफ़ी कुछ इस समय बदल चुका है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, बट स्टिल कुछ कुछ जिसे कहते हैं ना कि वो रेमिनेंस, वो जगह छोटा छोटा वो अभी भी है, कि कुछ चीज़ें अभी भी छूट रखी हैं जो पुरानी टाइम का याद दिलाती हैं। जोशी जी हैं ये हमारी शॉप पे करीब, इनको मेरे ख्याल से 50 साल तो हो गए, 40 साल, हम पैदा भी नहीं होते उससे पहले के हैं ये, उस टाइम के हैं। वो टेस्ट जो है वो लाना वो सब्जियों में, वो इन लोगों की मेहनत है, और थोड़ा हमारे बड़ों का जो हमारे को गाइडेंस और आशीर्वाद जो बड़ों ने हमारे को सिखाया। पापा तो शुरू से कहते हैं संतोष से बड़ा धन नहीं है यार, संतोष रखो, ठंड रखो दिमाग में, जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहो, ज़मीन से जुड़े रहो, क्योंकि ज़मीन पर जुड़ा होता है ना उसे गिरने का डर नहीं होता, ज़्यादा उड़ने वाला तो ऑब्वियसली गिरेगा।
सबसे पहले जिस दिन हमने किचन में पैर रखा था, देयर वाज माय टीचर मिसेस ममता गुडप्याल, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ जो बोली थी कि बेटा दिल से बनता है खाना, पहली चीज़ अपनी दिल और आत्मा डालनी पड़ती है खाने में। टेस्ट तो हर कोई दे देता है, पर जब आप दिल डालते हो ना तो उसका जो फ्लेवर है वो अलग ही हो जाता है। ये देखिए प्रॉपर आपको घंटाघर हर की पौड़ी का वो सब यहाँ से जो है विजिबल है, गंगा जी का पूरा व्यू, शंकर जी, पूरा हाईवे, दैट हाईवे इज बीन विजिबल। अब यहाँ से आप देखिए जो मेन मेन लोग जो आते हैं, चंडी देवी एंड मनसा देवी, फिर मनसा देवी टेम्पल आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, और इधर से आपका चंडी देवी टेम्पल दिख रहा है, वो देखिए दैट पीक वहाँ पे टेम्पल का जो है बना हुआ है। अभी थोड़ा सा फॉग है तो इसलिए थोड़ा पर दिख रहा है। गंगा जी इज द सोल ऑफ मोहनपुरी वाला। अब आप कहेंगे सोल कैसे है गंगा जी, अब वो बताते हैं। देखिए आप गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद जो एक आपको जो भूख लगती है, तो एक वहाँ से आप उठे ऊपर आए, वो सौंधी खुशबू आ रही है हींग की, मसालों की, पूड़ी की, वो देखते ही वो घी का वो उधर उड़ते हुए वो एकदम पैर जो है, मैं बताऊँ अगर मैं एक लेमैन भी होता ना, जैसे मैं वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन आप जब बाहर निकले आपने देखा लस्सी की मशीन की आवाज़ सुनी तो एकदम से मन करके यार कुल्हड़ वाली लस्सी पिएंगे, तो दिमाग में होती ना, तो वही चीज़ लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, पुराने लोग जो आते हैं, हमारे एज ओल्ड कस्टमर्स हैं, वो लोग आके कि यार तुम्हारी तो वहाँ से हर की पौड़ी क्रॉस करते ही जो है ना हल्का सा तुम्हारी शॉप सामने, मतलब ऐसे लगता है कि बस अब खा लो, अब बस भाग के पहुँच जाओ। हम जो कुछ हैं वो गंगा जी के कारण हैं, उन्होंने ही दे रखा है। हमारे यहाँ गंगा माई मतलब आज भी जो मॉर्निंग में पहला निवाला जो निकलता है गंगा जी का निकलता है, 4 बजे उठते हैं कारीगर, ये वो कारीगर नहीं है कि सुबह उठ रहे हैं 7 बजे 8 बजे जाके और 10 बजे दुकान खुल रही है, 7:30 बजे आपको हमारी पूड़ी मिल जाएगी रेडी एट द ब्रेकफास्ट टाइम। तो ये लग रही है जी हमारी प्लेट, सबसे पहले आगे तरी वाले आलू, ये सूखे आलू, ये सूखे वाले आलू आगे जी, छोले हैं ये आगे, छोले और एक चटनी है थोड़ी सी चटनी, अरे वाह इमली की चटनी है, इमली की चटनी, वाह वाह वाह। ये देखो जी गरम गरम पूरी आ रही है, 3 प्लेट तैयार हो रही, 2 तैयार है, बढ़िया। मालू के पत्ते के ऊपर ये आ गई, एक प्लेट में 4 पूरियाँ लगती हैं जी, और 80 रुपये की 4 पूरियाँ देसी घी में, छोले आलू और गीले आलू की सब्जी, ये देसी घी की पूरी, मालू का पत्ता, ये हम यहाँ से लगाएंगे थोड़े से छोले, बीच में आ गए थोड़े से आलू, एंड इधर से जो है ये सूखे आलू, हल्की सी ऊपर लगाएंगे जी चटनी, टीकाकरण हो गया चटनी के साथ, हियर्स अ बाइट, कद्दू, अच्छा ये रह गया कद्दू, रह गया था ये जी कद्दू, जो कद्दू है ना आई थिंक दिस इज द एडेड चार्म। सुबह से ना काम कर रहे थे, ये पहला निवाला है दिन का, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर डे विथ मोहन पूरी, जैसे आप बाइट लेते हो जो पहली चीज़ हिट करती है वो है हींग, और इतनी स्ट्रॉन्ग हींग है यार, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मज़ेदार हींग है कि मतलब आपने वो जो रौनक देखी थी ना चेहरे पे एकदम खुशी, वो हींग की खुशी थी। ये देखो मैं वहाँ टेस्ट करा था भाई, वो देखो वहाँ पे, और इधर देखो ये तीनों लोग लबेड़ चुके काम, पर ये आके छड़ते कर लेनी छड़े सब खत्म है भाई जी, 3 प्लेटा खत्म कर चुके हैं, चौथी आने लगी है, टेस्ट तो करना ही है, वो भी खा लेंगे। आलू की सब्जी और छोले मिलाकर मेरी है।
गुलाब जामुन कोई तो रोक लो। ये आ गया जी सूजी का हलवा, सूजी और बेसन का हलवा है जी। हम आरती से वापस आए तो एकदम भूख लगी तो हमने सोचा हलवा खाएंगे। ये आ गया जी हलवा, ये आ गया जी चंद्रकला। इतनी सुंदर है यार, ये जोशी जी के हाथ लगे इस पे। इसका तो यार मतलब देख के मुंह में पानी आ जाता है, ये इतना बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक गर्मा गर्म एकदम, ये चाहे दो हो चाहे छह हो चाहे आठ हो, हलवा यार बहुत तारीफ सुनी इसकी। वाह, एकदम भुनी हुई सूजी, हल्की मिठास, अच्छे से भुनी हुई सूजी है, हल्की मिठास है और बीच में बहुत सारा ड्राई फ्रूट। वाह चंद्रकला, ये यार इतने मजे से बना रहे थे ना वो, और यहाँ पे फ्राई होने के बाद ना थोड़ी थोड़ी फूल गई है, बहुत मजेदार। ओ वाह, रू नच रही है।